नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शाहबाद में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद हरियाणा भर में किसान भड़क गए और रेवाड़ी में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने गंगायचा टोल प्लाजा के पास रेवाड़ी रोहतक हाईवे जाम कर दिया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि किसानों ने हाईवे जाम कर दिया है, इसके तुरंत बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, किसानों को सड़क के नीचे से हटा दिया। इस दौरान काफी समय तक पुलिस किसानों को समझाने का प्रयास करती रही। वहीं किसान नेताओं ने भी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि रोड जाम करना उनकी मजबूरी है क्योंकि सरकार ज्ञापन देने की भाषा नहीं समझती। किसानों ने कहा है कि ये सरकार किसानों की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसान चुप नहीं बैठेंगे और अपने हकों के लिए लड़ेंगे। डीएसपी संजीव कुमार ने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल मौके पर तैनात है, दोबारा किसान रोड जाम करने की कोशिश ना करें और कानून व्यवस्था खराब ना हो, उसके लिए टोल प्लाजे पर भी पुलिस जवान तैनात रहेंगे। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। बाद में अपनी एमएसपी मांग रहा था, ये बीजेपी सरकार बार बार कह रही थी एमएसपी दंगा, सूरजमुखी को ऊपर एमएसपी नहीं दी। वहाँ हमारे प्रधान जी ने चिट्ठी रोड जाम कर दिया, पुलिस ने बब्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है। अभी अभी किसान भी शहीद हो गया, अभी अभी खबर आई है कि 2-3 किसान शहीद हो गया। अब हमने रोड जाम कर दिया लगभग 1 घंटा, अब इतनी भारी फोर्स है कि कोई तादाद नहीं। जब लग ये बीजेपी सरकार फोर्स का सहारा लेगी, इनकी पार पर निवाड़ी नहीं है। हम आखिरी तक मर जाएंगे, लेकिन ये झज्जर रेवाड़ी रोड भी बंद करके मान लेंगे। हाँ, रोड पे बैठे थे, अब फोर्स ज्यादा आ गई, हमारे और किसान आएंगे और हमारी जितनी प्रयास होगी हम मर सका सा पीछा कदम नहीं हटावांगा। 18 साल को छोरों मर जाए, हमारी तो 50-50 उम्र हो रही, के फर्क पड़े जी। लेकिन अन्याय कर दिया, रोड जाम करके क्या करेंगे, क्या करा रस्तों कैसे, भाषा यही समझे जी, या ज्ञापन की भाषा ना समझे। और भारतीय किसान जरूरी ज्ञापन भी नहीं दे, या तो हम ताला लगाऊंगा रोड जाम कराऊंगा या मीटिंग कराऊंगा। नाम राम सोरत्याल, जिला रेवाड़ी महासचिव। हमारी मांग ये है, जो शाहबाद के अंदर आज जो कांड हुआ है हमारे गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ, और वहाँ पर रोड जाम पूरा हरियाणा का, जो हमारे पास एक काल आई थी उस काल के ऊपर हमने ये गंगाचा जो है झज्जर रेवाड़ी रोड जाम किया है। लेकिन हमारे आदमी कम पड़ गए थे, पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा हो गया था। अब हमारा इंतज़ार है, हमारे और आदमी आएंगे, जब तक वहाँ से फैसला और या कॉल नहीं आ जाएगी ना, हम इस रोड से हटेंगे नहीं। हमें ये पुलिस से साफ कह दिया, गिरफ्तारी करना चाहते हैं हम तैयार हैं, गोली मारो हम तैयार हैं, उल्टे नहीं हटेंगे बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सर क्या करें, जैसे अभी किसान रोड के ऊपर बैठ गए थे, रोड के ऊपर से साइड में चले गए हैं और लैंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल पीसफुल है। इस प्रकार दोबारा जाम ना लगे इसलिए टोल पे ड्यूटियां लगा दी गई हैं और सब पीसफुल रहेगा। सर कितने किसान थे जो आए थे अभी? 10-12 लोग आए थे और एहतियात के तौर पे हमने ड्यूटीज डिप्लॉय कर दी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।